हेलो दोस्तों भाई, एक बार फिर से स्वागत है नए वीडियो में। और ये है मेरे साथ में दी ऑल न्यू बीएसए की 650 सीसी बाइक। और इस बाइक को इंडिया में लाया है महिंद्रा एंड महिंद्रा, मतलब कि क्लासिक लीजेंड जो है वो इस बाइक को इंडिया में लेके आया है आप सभी के लिए। अब से पहले जावा और यजदी की बाइक्स भी आपको क्लासिक लीजेंड की तरफ से ही देखने के लिए मिली थी भारतीय बाजार में, तो उसी की कृपा की वजह से आज हमें बीएससी की बाइक भी देखने के लिए मिलने वाली है। और बीएससी की बाइक्स की स्टार्टिंग जो है वो 650 सीसी इंजन से ही होने वाली है, तो आपको इंजन नो डाउट काफी भारी भरकम और बड़े देखने के लिए मिलने वाले हैं। जानेंगे इस बाइक के बारे में क्या कुछ आपको ये बाइक ऑफर करेगी, कितने प्राइस पॉइंट पे आएगी और किस तरीके के यूजर्स के लिए ये बाइक होने वाली है। सारी डिटेल्स मिलेंगी आपको मेरे इस फुल डिटेल बैकग्राउंड रिव्यू में, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिस ना कर पाएं तो बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। और ऐसे तो शुरू करेंगे इसके फ्रंट ओवरऑल लुक्स और डिजाइन से। तो सबसे पहले बात करूं मैं इसके फ्रंट के लुक की और फ्रंट के डिजाइन की, तो यहां आपको फ्रंट में एक हैलोजन लाइटिंग सेटअप के साथ में फ्रंट की लाइट नजर आएगी, जिसके अंदर देखोगे हैलोजन बल्ब है। टर्न इंडिकेटर्स की अगर मैं बात करूं तो टर्न इंडिकेटर्स यहां पर एलईडी नजर आ जाते हैं, जो कि काफी कॉम्पैक्ट और छोटे साइज के देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करी जाए इसके सस्पेंशन, तो यहाँ आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन दे देती है ये बाइक। यहाँ काफी अच्छा कम्फर्ट सस्पेंशन में निकल के आता है। बाकी बात करी जाए डिस्क की, तो यहाँ आपको ब्रेम्बो के डिस्क देखने के लिए मिलेंगे। डिस्क डेवियस होगा, 320 mm का यहाँ आपको फ्रंट डिस्क नजर आ जाएगा। 18 इंच का स्पोक व्हील नजर आएगी, साथ 100 सेक्शन का एक ट्यूब टायर नजर आ जाएगा। पैरेली के टायर होंगे तो परफॉर्मेंस नो डाउट बहुत ज्यादा बढ़िया होने वाली है। बाकी यहाँ देखोगे आगे की तरफ क्रोम वर्क जो है वो इस वाले वेरिएंट में ज्यादा अच्छा किया गया है, और यहाँ पर ये मेटल और फाइबर कह सकते हैं, मतलब कि अच्छे खासे कॉम्बिनेशन के साथ ये आपको पूरा कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिलता है। काफी अच्छी क्वालिटी वाइज ये देखने के मिलेगा। बात करी जाए साइड लुक्स की, तो साइड लुक्स जो है वो कुछ इस तरीके का निकल के आता है, प्रॉपर रेट्रो लुक आएगा। बाकी अपने क्लासिक जमाने का फील जरूर आता है इस बाइक में, जो कि देखने में बहुत ही ज्यादा ऑसम लगती है। बात करिए इसके इंजन की, तो यहाँ इंजन जो है वो आपको 652 सीसी सिंगल सिलेंडर फोर वॉल्व BS6 फेज 2 इंजन नजर जनरेट करेगा। 45 PS की पावर एंड 55 न्यूटन मीटर का टॉर्क, 5 स्पीड गेयरबॉक्स के साथ में ये बाइक आपको देखने के लिए मिलने वाली है। आगे की तरफ यहाँ ये रेडिएटर दिया गया है, जो कि इसके इंजन के हीटिंग सिस्टम को थोड़ा सा लाइट रखेगी, मतलब कि ये बाइक हीटिंग इश्यू ज्यादा नहीं करेगी। बाकी यहाँ देखोगे एग्जॉस्ट सिस्टम जो है वो कुछ इस तरीके का निकल के आया है, जो कि काफी अच्छा ग्राफिक्स कलर वाइज देखने के लिए लगता है। बाकी यहाँ पर एक छोटी सी चीज और एक छोटा सा क्वेश्चन जरूर निकल के आता है कि 650 सीसी, मतलब कि भारी भरकम और बड़ा इंजन, इसमें 5 स्पीड गेयरबॉक्स है, तो जाहिर सी बात है यूजर्स जरूर इस चीज को कमेंट बॉक्स में पूछेंगे। तो उसका मैं जवाब देता हूँ, इसके जो गेयर रेशियो है वो थोड़ा सा बड़ा रखा गया है, जिसका आइडिया आपको जब ही लगेगा जब हम इस गाड़ी को आपको चला के दिखाएंगे, तो इस हिसाब से 5 गेयर जो है वो सफिशियंट रहने वाले हैं। बाकी यहाँ देखोगे आपको काफी अच्छी ब्रांड बैजिंग और लोगोज नजर आएंगे। यहाँ देखोगे कुछ इस तरीके की बीएससी की बैजिंग नजर आ जाती है। नीचे यहाँ देखोगे यहाँ पर भी बीएससी लिखा नजर आता है। बाकी एक लोगो नजर आता है, जिसमें ये 3 राइफल टाइप में आपको मतलब कि लगी हुई नजर आएंगी। ये दर्शाता है इस चीज को कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में बीएससी जो था वो मतलब कि वर्ल्ड वॉर के टाइम में गन्स और ये बंदूकें वगैरह बनाया करता था। देन उसके बाद बीएससी ने बाइक मैन्युफैक्चरिंग में अपना काम शुरू करा और बीएसए ने काफी अच्छी बाइक्स मार्केट को दी। अभी देख लेते हैं इसके रेयर लुक की तरफ, तो रेयर लुक में अगर आप देखोगे सबसे पहले आपको देखेंगे ये स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन, जो कि काफी कंफर्ट नजर आ जाते हैं। अगेन बोलना चाहूंगा पीछे भी आपको वही स्पोक व्हील नजर आएगा, बट पीछे 17 इंच का नजर आएगा और 150/70 R17 इंच का टायर देखने के लिए मिल जाएगा। पैरेली के टायर होंगे, परफॉर्मेंस नो डाउट अच्छी होने वाली है। और यहाँ पर आपको ब्रेम्बो के डिस्क देखने मिलेंगे और रेयर में आपको 255 mm का डिस्क देखने के लिए मिल जाता है। डिस्क के साथ में रेयर में आपको ABS भी देखने मिलेगा, मतलब ये बाइक जो है वो डुअल चैनल ABS देखने मिलेगी। बाकी रेयर मडगार्ड देखोगे, रेयर मडगार्ड पे भी क्रोम वर्क अच्छा खासा यूज किया गया है। बाकी यहाँ देखोगे आपको टेल लाइट फुल LED सेटअप नजर आ जाएगी, साथ ही साथ काफी कॉम्पैक्ट और छोटे साइज के इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। अभी बात कर लेता हूँ इसकी सीट की, तो सीट अगर आप देखोगे तो 2 लोगों के लिए काफी अच्छी सफिशियंट सीट हाइट होने वाली है, सीट भी काफी कंफर्टेबल होने वाली है। एक सीट हाइट टेस्ट आपने कर रखा है, उससे हटके मैं इसकी सीट हाइट बता देता हूँ। 780 mm की इसकी सीट हाइट है और 150 mm इसका ग्राउंड क्लियरेंस है। 12 लीटर का यहाँ ये फ्यूल टैंक है, जो की काफी बढ़िया एफिशिएंसी लेके चलता है। बाकी यहाँ देखोगे साइड में क्रोम वर्क और इसका जो फ्यूल कैप है जो थोड़ा सा साइड में दे रखा है, जो कि काफी अच्छा निकल के आता है। 200
213 किलोग्राम इसका मतलब कि पूरी गाड़ी का कर्व वेट है 213 किलोग्राम, जो कि शॉर्ट हाइट राइडर या फिर लाइट जो जिसको लाइट बाइक्स पसंद है ना, 650 cc में उन्हें एक ऐसी बाइक मिल जाएगी कि हाँ ये काफी अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करवाएगी। बाकी हाइट के अकॉर्डिंग कैसी होने वाली है मैं इस बाइक पे एक बार आपको बैठ के दिखा दूंगा। मैंने पहले ही बता दी 780 mm इसकी सीट हाइट है, मेरी हाइट है 5'4" और 213 किलोग्राम इस बाइक का वेट है। मैं बैठ के दिखाता हूँ इस पे, आप देख सकते हो मेरे पैर जो हैं पंजे आ रहे हैं, एडी मेरी अब भी नहीं आ रही है, बट हाँ यहाँ से क्या है मतलब इतनी ज्यादा मोटी नहीं है तो फिर पतले में आती है, तो काफी अच्छे से मैं इजिली कम्फर्ट हो जाता हूँ। बाकी मैं हैंडल पकड़ता हूँ तो काफी बढ़िया फील आता है, काफी अच्छा फील आएगा, लाइक मैं लाइक एक लॉन्ग राइड करूंगा इस बाइक से काफी अच्छा कंफर्ट निकल के आएगा। हैंडलिंग पोस्चर ऐसा नहीं है कि मुझे प्रॉब्लम हो या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। बाकी जैसा कि मैंने बताया 650 cc के हिसाब से काफी लाइट वेट ये बाइक लगती है, उस हिसाब से देखा जाए तो काफी लाइट वेट लगती है। बाकी एक बार मैं इसका साउंड सुना के दिखा देता हूँ आपको, तो ये तो था इसका हाइट और वेट के हिसाब से मेरा कंफर्ट, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग कैसी होने वाली है वो चीज़ मैंने आपके साथ शेयर करी। बाकी इसका साउंड कैसा लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलिए आगे वीडियो में, आगे आपको मैं दिखाता हूँ इसका ओवरऑल ऊपर से व्यू और इसका मीटर डिज़ाइन। तो ऊपर से आप व्यू देखोगे काफ़ी अच्छा रेट्रो फील आता है ऊपर की तरफ से इस बाइक को देखने में। बात करिए इसके हैंडल की, तो हैंडल पे आपको कुछ चीज़ें सिमिलर सी नज़र आएंगी JAVA 42 से, जो कि होंगे इसके स्विचेस, सेम वही स्विचेस बोरो किए गए हैं, मतलब कि यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का खास बदलाव या फिर कोई नया मतलब कि फीचर जैसे कि कह लें नया स्विच ऐड होता हुआ नजर नहीं आएगा, वही स्विचेस नजर आएंगे लाइक हाई बीम लो बीम पासिंग लाइट नीचे की तरफ हॉर्न, हॉर्न एक बार चला के दिखाते हैं, हॉर्न क्वालिटी लिटिल काफी अच्छी है। दूसरी तरफ देखोगे इंजन किल स्विच का फंक्शन नजर आ जाता है, आई बटन देखने मिल जाएगा, हैजार्ड स्विच देखने मिल जाएगा, नीचे की तरफ सेल्फ देखने के लिए मिल जाएगा। अभी आ जाते हैं मेन चीज यहाँ मीटर की तरफ, तो मीटर आपको एक सेमी डिजिटल मीटर यूनिट मिलने वाली है और तीन मतलब की तीन जगह पे फंक्शन इसकी नजर आएगी, जिसमें की 1, 2 और 3। फर्स्ट का क्या करें, फर्स्ट यहाँ पर आपको देखने मिलता है एक मीटर, स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, इसके अंदर ट्रिप वगैरह सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलते हैं। दूसरी तरफ देखोगे आपको आरपीएम मीटर नजर आ जाता है, वहीं तीसरा देखेंगे जो कि इसकी हेडलाइट के ऊपर दिया गया है, जो कि है ये छोटा सा ब्लिंकर स्क्रीन जिसके अंदर सारे बाइक के सारे ब्लिंकर नजर आ जाते हैं लाइक ABS, साइड स्टैंड, टर्न इंडिकेटर्स, न्यूट्रल, इंजन लाइट, हीटिंग सेंसर जैसे सारे फीचर्स इसके ऊपर नजर आ जाते हैं। तो ये चीज जो है ना ये थोड़ी सी यूनिक निकल के आ जाती है इस बाइक के अंदर, जो कि मुझे स्पेशली काफी ज्यादा खास लगी। अभी आ जाते हैं हम इस बाइक में कि कितने कलर ऑप्शंस आपको इस बाइक में देखने के लिए मिलने वाले हैं और कितने प्राइस पॉइंट पे ये बाइक आपको देखने के लिए मिलने वाली है। लगभग 6 कलर ऑप्शन आपको इस बाइक में देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें कि ये जो वेरिएंट है वो आपको गोल्ड स्टार में देखने को मिलता है और स्पेशली ये जो मेरे सामने कलर है ये आपको BSA 650 गोल्ड स्टार लेगेसी एडिशन के नाम से देखने को मिलेगा। और लेगेसी एडिशन में आपको सिर्फ यही एक कलर ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसके अंदर थोड़ा सा ज्यादा क्रोम वर्क यूज किया गया है, लाइक पीछे का जो मडगार्ड है, आगे का जो ये फ्रंट मड है उसके अंदर क्रोम वर्क थोड़ा सा ज्यादा यूज किया गया है। और बेसिक जो इसका गोल्ड स्टार वाला वेरिएंट है, इससे मतलब कि नॉर्मल वाला, उसके अंदर क्रोम वर्क थोड़ा देखने नहीं मिलेगा और उसके अंदर आपको टोटल 5 कलर ऑप्शंस देखने के लिए मिलेंगे। तो बेसिकली अगर बात करी जाए तो इसमें आपको लेगेसी एडिशन को मिला के टोटल 6 कलर ऑप्शंस देखने के लिए मिलने वाले हैं और 2,99,000 से एक्स शोरूम स्टार्ट होकर ये बाइक आपको भारतीय बाजार में देखने के लिए मिलेगी। अब बात करूं मैं इसके कॉम्पिटिटर्स की, तो सबसे पहला मेन राइवल और कॉम्पिटिटर इसका बनता है रॉयल इनफील्ड इंटरसेप्टर 650। अब वहां से यहां पर आपको काफी चीजें अलग देखने के लिए मिलेंगी, कुछ चीजें प्लस पॉइंट भी मिलेंगी और कुछ चीजें नेगेटिव पॉइंट्स भी देखने के लिए मिलने वाली हैं। जैसे कि इसकी हाइट जो है ये प्लस पॉइंट होगा, जिससे कि ये शॉर्ट हाइट राइडर से लेके लॉन्ग हाइट राइडर के लिए दोनों के लिए ही कंफर्टेबल होने वाली है। एक वीक पॉइंट ये आ जाता है कि यहाँ ये 650 cc में सिंगल सिलेंडर है, वहां आपको 650 cc में डुअल सिलेंडर देखने के लिए मिल जाता है। तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें होने वाली है इन दोनों बाइक के कंपेरिजन में, वो वीडियो आपको फ्यूचर में हमारे चैनल पर जरूर मिलेगा। बाकी कैसा लगा है ये एक डिटेल्ड वॉकराउंड रिव्यू, जिसके अंदर मैंने सारी डिटेल्स आपके साथ शेयर करी है, BSA गोल्ड 650 लेगेसी एडिशन की सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर करी हैं। आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। बाकी ऐसे ही वीडियोस, कंपैरिजन वीडियोस और वॉकराउंड वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप मिस ना कर पाएं।